शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नज़दीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद ही साल में पहले भी और पीछे भी अल्लाह ही का हुक्म है, और उस रोज़ मोमिन खुश हो जाएंगे। यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वो गालिब और मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या उन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के कायल ही नहीं। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो उनसे ज़ोर क़ुव्वत में कहीं ज़्यादा थे, और उन्होंने ज़मीन को जोता और इसको उससे ज़्यादा आबाद किया था जो उन्होंने आबाद किया, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, वही इसको फिर पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी गुनाहगार नाउम्मीद हो जाएंगे, और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी ना होगा, और वो अपने शरीकों से नामुअतक़िद हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस रोज़ वो अलग अलग फ़िरक़े हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत के आने को झुटलाया वो अजाब में डाले जाएंगे। तो जिस वक्त तुमको शाम हो और जिस वक्त सुबह हो अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और ज़मीन में उसी की तारीफ है, और तीसरे पहर भी, और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और वही ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा ज़मीन में से निकाले जाओगे। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है आसमानों और ज़मीन का पैदा करना, और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ हैं। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से मेह बरसाता है, फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ हैं। और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं, फिर जब वो तुमको ज़मीन में से निकलने के लिए आवाज़ देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमान और ज़मीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फरमाबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफ़ा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और ज़मीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन लौंडी गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। मगर जो जालिम हैं बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, तो जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। तो तुम एक तरफ के होकर दीन अल्लाह के रस्ते पर सीधा मुंह किए चले जाओ, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो, और नमाज पढ़ते रहो, और मुशरिकों में ना होना, और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद फिरके फिरके हो गए। सब फिरके उसी से खुश हैं जो उनके पास है। और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते और उसी की तरफ रुजू होते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फिरका उनमें से अपने परवरदिगार से शिर्क करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि उनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमलों के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं कोई गजन पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले क़राबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग रज़ाए खुदा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग निजात हासिल करने वाले हैं। और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो अल्लाह के नज़दीक उसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो और उससे अल्लाह की रजामंदी तलब करते हो तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद सह चंद करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क दिया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान उनके शरीकों से बुलंद है। खुश्की और तरी में लोगों के आमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज आमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, दीन के रस्ते पर सीधा मुंह किए चले चलो। उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का ज़रर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला देगा। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसी की निशानियों में से है कि हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देते हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मज़े चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलब करो। अजब नहीं कि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियाँ लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को चलाता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तय बतय कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से मेह निकलने लगता है। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो वो खुश हो जाते हैं। और पेशतर तो वो मेह के उतरने से पहले ना उम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं। तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर फिर जाएं आवाज़ सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फर्मा बरदार हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिब दानिश और साहिब कुदरत है। और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी गुनहगार क़स्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो रस्ते से उल्टे जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज़ ज़ालिम लोगों को उनका उज़्र कुछ फ़ायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। और अगर तुम उनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें ओछा न बना दें।